क्या हुआ? नमस्ते जी, क्या हुआ? लेपर्ड कॉल है। लेपर्ड कॉल? हाँ, अभी जस्ट अभी। अंदर आने कितने चांस है? अंदर आने के तो सर कम है, 70 चांस है, 70% देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 18 अक्टूबर 2022 और अभी हमें पन्ना नेशनल पार्क के पास, ये है बियर वैली कैंप। और पिछली वीडियो में आपने ये भी देख लिया होगा कि जब हम वहाँ से आ रहे थे पन्ना की तरफ से यहाँ पे, तो कितना घना बढ़िया भयंकर वाला जंगल था और सड़क कैसी थी, एकदम ऊबड़ खाबड़। तो मैंने और सर ने जो था प्लान ये कर लिया था कि हम यहाँ पे शाम को यानी कि इस टाइम उस वाली सड़क पे ऐसे वॉकिंग करने चलेंगे। और तो भाई ने बताया कि यहाँ पे जो है भालू बहुत है, काला भालू, तो हम थोड़े से डर भी गए थे, लेकिन डर के आगे जीत है। तो फिर भाई ने और आगे बताया कि बेटा जीत वीत ना है बिल्कुल भी। हाँ, फिर भाई ने और बताया कि भाई जीत वीत ना है बिल्कुल भी, लेपर्ड है। तो अभी भाई जो है यूनिफॉर्म वगैरह पहन के और तैयार है और ये भी हमारे साथ चलेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा हमारा डेट सा खुलेगा, तो ऐसे हम जाएंगे थोड़ा सा और फिर कल फिर सुबह भी करेंगे। अभी किस चीज़ की वेट है? अब एक चाय हो जाए। आपके चेहरे से आलस से झलक रहा है, बीच नींद में से आप उठ के आए हो। चाय की इच्छा खुद की कर रही है आपकी, बहाना तो चाहिए ना। आलस जो है मेरे चेहरे से झलक रहा है। ओ, लंगूर की आवाज़ भी आ रही है, अलार्म कॉल। क्यों सर जी? जंगल का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो सर को है, आप बता नहीं रहे कुछ कैमरे के सामने। नहीं नहीं, कैमरे के आगे आ जाए, आपसे भी आगे आ जाए। हाँ, लंगूर की अलार्म कॉल आ रही है बार बार जी। और ये मोर की भी अलार्म कॉल थी, नॉर्मल कॉल थी जो पहले बोला वो नॉर्मल थी, लेकिन बाद में जो फटी जैसे फटी सी आवाज में बोलता है खींच के, वो अच्छा। अलार्म कॉल मानी जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि वो किसी बड़े जानवर वाइल्ड कैट उसको, मतलब किसी भी वजह से हो सकती है, सांप भी हो सकता है। अच्छा, ईगल को भी देख के करता है। अच्छा, अपने बच्चे दूर हो जैसे बताया था सुबह भी। और ये कुत्ते भी चौकस होकर इधर देख रहे हैं, इनको महक आ रही है शायद इसी तरफ से, दोनों का मुंह इस तरफ था, हवा का फ्लो ऐसे है तो महक आ रही होगी। इस वाले एरिया में ना टाइगर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लेपर्ड है और भालू है। और भालू को देख के तो लंगूर आवाज नहीं निकाल लेगा, नहीं निकाल, भालू को देख के नहीं निकाल लेगा। भालू से लंगूर को कोई खतरा नहीं है, लेपर्ड से खतरा है, हमें देख के भी निकाल देगा आवाज। क्यों, कौन? लंगूर? नहीं नहीं नहीं, अपने जैसों को देख के नहीं निकालेगा। ये दो कुत्ते इन्होंने बांध रखे, कौन सी बिरादरी है कुत्तों की? मैंने पूछा था इनसे, मैं कहा भाई ये कौन सी बिरादरी है, बड़े अजीब से, मैंने पहले कभी देखे ही नहीं ऐसे कुत्ते। कहने लगे जी शिकारी कुत्ते हैं। अरे मैं कह रहा यार इनकी शक्ल तो शिकारी जैसी ना, शक्ल शिकारी जैसी ना, हाव भाव, भौंक रहे हैं, गुर्रा भी रहे हैं, लेकिन देखो ये चौकस है, ये आदमी चौकस है बिल्कुल बहुत। और वो कुकू भी कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा चौकस है, इसको कोई स्मेल या साउंड आ रही है स्पेशल। अंदर कर रहे हो इन्हें? अंदर कर दे। लेपर्ड की वजह से ही? सही है, चल। कर दो, हाँ अंदर कर दो। अभी जो लंगूर की साउंड आ रही थी ना कॉल, वो बंद हो गई है, मोर की भी आवाज़ बंद हो गई है। तो अभी हम चल पड़े हैं। सर जो है ना बहुत बड़े वो हैं, वो लठ लठ लठबाज तो कोई लेपर्ड वगैरह होगा तो ये निपट लेंगे, इन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है, स्पेशल ट्रेनिंग। देखो भाई ऐसा है, अगर लेपर्ड है, अगर नरभक्षी, तब तो है खतरा, लेकिन यहाँ पे नरभक्षी लेपर्ड की कोई ऐसी खबर है नहीं, तो कोई खतरा नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो मैं भी और सर भी ऊंची आवाज़ में बोलते चलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पे रात को भी आना जाना कर सकते हैं, इतना भाई हमें है, कर सकते हैं बड़े आराम से, लेपर्ड की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस जंगल में कौन सबसे गंदा घिनौना जानवर है? भालू। उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नीरज भाई है, कोई इंसान है, कोई उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बेइज्जती कर देगा हमारी। लेकिन लेपर्ड नहीं बेइज्जती करेगा। और अगर हम इसी तरह से आवाज़ करते करते लठ पटकते पटकते अगर घोर जंगल में भी चले जाएंगे, नहीं सामने घोर जंगल ही है सारा का सारा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये किसकी लेपर्ड बोल रहा है? लेपर्ड की है, हमने सोचा कि डीजे बज रहा है। नहीं डीजे नहीं, ये लेपर्ड की थी। हाँ, कॉल कर रहा है तो आ रहा है वो, लेपर्ड वो अपन लोग आ गए इसलिए शायद बोला होगा। हाँ
नहीं, अभी एक जंगल से ना एक बड़ी गुर्राने जैसी आवाज, गुर्राने जैसी आवाज आ रही जंगल से। हाँ, अभी शांत रहो, कॉल आएगा। देखते हैं, हिंसक रहती है, वहाँ से लेकर वहाँ तक दिखेगा, कहीं भी निकलो। मैंने पहली बार, मैंने पहली बार लेपर्ड की आवाज़ सुनी है मैंने, और मैं आवाज़ पहचान नहीं सका। इन्होंने बताया कि ये ही लेपर्ड की आवाज़ है, वाटर होल बना रखा है। और कैमरे में मेरे पास इतने अच्छे माइक वगैरह नहीं है, तो उसमें रिकॉर्ड हुआ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर दोबारा आएगी तो मैं रिकॉर्ड, लेपर्ड की आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। ये लोग अभी पानी, वाटर होल बना रखे हैं। हाँ, में भी इन्होंने यहाँ वाटर होल बना रखे हैं, कंटिन्यू जिससे कि जंगली जानवर यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए आ जाएं। ठीक है, भर दो। क्या हुआ, कहाँ बैठा था? चबूतरे पे। अच्छा, इस पे, इस पे बैठा हुआ था लेपर्ड जी, जो आपने सीसीटीवी में देखा था? वीडियो है भैया के पास, उनको लेंगे वीडियो को, हम देखेंगे। हाँ ठीक, ये इस पे बैठा हुआ था, और ये इनका रिसोर्ट है, ये इनकी रिसोर्ट की जो बाउंड्री है। हमारा कैमरा सामने कैमरे में कैच हो जाता है। कौन से में? अच्छा, उसमें सीसीटीवी में ना, पेड़ पे इन्होंने, पेड़ पे इन्होंने सीसीटीवी जो लगा रखा है। भाई असली फील यहाँ आ रही है सर, वहाँ नहीं आई थी असली, यहाँ आ रही है ना, मजा आ गया। अभी हम थोड़ा सा उनके रिसोर्ट से थोड़ा सा आगे को आए हैं घूमते घामते, और लेपर्ड की आवाज़ जो है कंटिन्यू आ रही है। तो अभी ये भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि टाइम ऐसा ही हो गया, डीप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। हाँ, जो नाइट में मतलब वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हम जंगल के अंदर ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। हाँ, वैसे जा सकते हैं दिन में, वैसे मॉर्निंग में आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ अंदर जंगल में जा सकते हैं, अलाउड है ना? अलाउड है, थोड़ा अलाउड है, आप ऐसा वॉक करके अच्छा जा सकते हैं। तो फिर कल चलेंगे सर। हाँ, कल सुबह चलेंगे जी, कल सुबह जंगल में जी, जंगल में पक्का एकदम 100%। और आवाज़ जब लगातार आ रही है लेपर्ड की, मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है लेपर्ड की आवाज़। लेपर्ड कई बार देखा है, ये देखो आ रही है, नहीं इसे माइक में कैप्चर नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, मुझे पक्का पता है। हाँ, घों सी की आवाज़, गुर्राहट सी आ रही है। हाँ, मज़ा आ रहा है। सुबह हो गई जी, और आज है 19 अक्टूबर। तो हुआ क्या कि रात को हमने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी, बाहर बैठ के गप्पे मारी, फिर जो खाना वाना खा के और वीडियो एडिटिंग करके सो गए। तो रात 12 बजे के आसपास बाहर लेपर्ड की आवाज़ आ रही थी भाई, बाहर आ रही थी। इसमें रिकॉर्ड हुई क्या सीसीटीवी में? नहीं हुई। इसमें हुई भी हो तो पता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी प्ले करनी पड़ेगी इन्हें। तो लेपर्ड की तो आवाज़ आ रही थी भाई, ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी। और अभी जो है सुबह के 10 बजे हैं, क्योंकि हम लगातार दो दिन से बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ रहे थे 5-5 बजे, तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं। आज हमने धर के नींद पूरी करी है दोनों ने, और सर जी ने भी और मैंने भी। तो अभी ब्रेकफास्ट करके सर जी, अभी जो है ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके उधर जंगल में कुछ चलेंगे, हल्की सी फ़ोटो वोटो ले लेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत लंबी डिस्टेंस तय करनी है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है, 300-350 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से पन्ना। तो काना, यस काना। ब्रेकफास्ट में बना है जी पोहा, और इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी हैं, वो आने वाली है। और ये आ गया जी ब्रेड आमलेट, इसके अलावा चाय भी आने वाली है। ये क्या आ गया? नींबू आ गया, नींबू। सर पोहे की थोड़ी सी तारीफ करियो। तो तारीफ क्या है, वास्तव में बेहतरीन बना हुआ है। हाँ, और अभी प्याज और मिल जाएगी आपके ना? हाँ कर दो। ब्रेकफास्ट हो गया जी, और अभी हमने डिसाइड ये किया है कि आधे घंटे के लिए जंगल में चलेंगे, और हमारे साथ पूरे का पूरा स्टाफ बिल्कुल जंगली ड्रेस में। तो चलें सर, दिखेगा तो ऐसा कुछ नहीं, बट फील आ जाएगी, हो सकता है भालू दिख जाए। यहाँ पे लेपर्ड मिला था। हाँ, कुआ जबरदस्त, ये किसने बनवाया होगा? ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, ये जो राजा महाराजा हैं
उन्हीं के राज का है। अच्छा, कम से कम 200-250 साल पुराना है ये कुएं। ये हाँ, और भी कुएं होंगे यहाँ पे? जी हाँ, और भी कुएं हैं बहुत जंगल में। हाँ, आगे मैं भी बताऊंगा आपको कुआं। तो आगे में गड़िया भी है वहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तो वो भी देखना आप, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। नहीं, कूड़ा पड़ा है। अच्छा, ये खंडर शुरू हो जाते हैं अब? हाँ। ये कहाँ कहाँ तक है ये खंडर, कितना दूर तक है? बहुत लंबा है सर अभी तो। अच्छा, कब के आई, किसके बनाए हुए? ये चल राजा महाराजों के जमाने का है। पन्ना महाराजा का? नहीं, और ये सबल सार महाराजा का। कौन? सबल सार। सबल सार। हाँ। अच्छा, तो हो गया सर काफी टाइम। हाँ, ईंट भी देखो पतली पतली सी है, पुरानी पुरानी है, ककैया ईंट है। अच्छा, ये खंडर तो ऊपर पूरी पहाड़ी पे होंगे? हाँ, काफी ऊपर तक है। ये जो खंडर से आप देख रहे हो ना जंगल में, ये असल में ना एक पहाड़ी है। अभी हम हल्के से ऊपर आ गए हैं, और अगर और आगे चले जाएंगे तो और ऊपर पहुंच जाएंगे। एक पहाड़ी है। हाँ। तो मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था रियली। तो ये खंडर वगैरह देख के एकदम से आइडिया आया कि भाई इस पूरी पहाड़ी पे खंडर होंगे जरूर। तो राजा जो बता रहे हैं, पता नहीं कौन सी रियासत रही होगी। मेन कहाँ था राजा का? मेन सबलसाय। सबलसाय कितना दूर है यहाँ से? सबलसाय राजा उनका नाम था। उनका नाम, अच्छा, उनका नाम था, रियासत का नाम सबलसाय। अच्छा, ग्राम जिन्ना है। तो जिन्ना के राजा थे वो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। ये वो कुआं है। अच्छा, एक दूसरा कुआं भी है। हाँ, वो रहा अंदर, वो वहाँ पे। इस खंडर में लेपर्ड भी हो सकता है? यहाँ पे तो नहीं सर, लेकिन नीचे जो है एक गड़िया टाइप का, वहाँ पे रुकता है वो लेपर्ड। अच्छा। भी रुक जाता है, भालू भी रुक जाता है। नहीं, इसमें भी हो सकता है। हाँ, चांस की बात है, लेकिन यहाँ पे स्लोथ बियर ज्यादा मिलता है। अच्छा। हाँ, चलो थोड़ा सा और घूमते, क्या पता मिल जाए। क्या यहाँ पे एक और कुआ? अरे वाह, कुआ नहीं, जो सुरंग भी है अंदर। सुरंग भी है? हाँ। यह ईंटें जड़ी हुई हैं। ये वाला, ये ईंट जड़ी हुई है। हाँ, सुरंग आधा, आधा पत्थर का है और आधा मिट्टी का। चलो, हाँ करो, जान नहीं दूंगा। और यहाँ पे सुरंग भी है इसके अंदर। हाँ। सुरंग है ना? हाँ, सुरंग है जी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ईंट जड़ी हुई हो। नहीं, सुरंग है। जिस तरह से इस जंगल में कुएं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, तीन कुएं तो थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमें ही दिख गए हैं। इसके अलावा ये भाई जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे कुएं हैं। अगर हम सारे जंगल में ऐसे घूमेंगे तो कम से कम 500 कुएं हैं, और ज्यादा भी मिल सकते हैं। ज्यादा भी मिल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह किसी जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रही होगी। आज के आज इनने मतलब लोकल लोगों को इसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह नहीं पता है। तो पन्ना में हमारे जो मुकेश पांडे सर हैं, मैं एक बार उनसे डिस्कस करूँगा, हो सकता है उन्हें पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन वो पता निकाल लेंगे कि ये जगह कैसी थी, क्या इसकी हिस्ट्री रही थी। लेकिन ये कुएं जो है ना, कुओं का मतलब ही यही हुआ इतने सारे कि भाई यहाँ बहुत सारे लोगों के पानी पीने की व्यवस्था थी। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी ये। जी, ये सारे मकड़ी है, इसका नाम है वुड टच स्पाइडर जी। अच्छा, और इस पे जहरीली होती है सारी। अच्छा। हाँ, अभी आपने देखा था, उसने पीछे से पॉइजनस निकाला था। हाँ, कुछ ड्रॉप किया। हाँ, था हमने। तो मतलब ये अगर हमें काट लेगी तो हमें कुछ नुकसान हो सकता है। खतरा है जी। हाँ। अच्छा, तो जी बज गए हैं 12:45, हमें इस जंगल में घूमते हुए हो गए हैं। हम वापस बियर वैली कैंप आ गए हैं, और अभी वो अपने सर जो नवनीत सर गाड़ी लेने गए हैं, गाड़ी लेके बाहर आएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे कान्हा के लिए। हम यहाँ पे रुके हुए थे बियर वैली कैंप में। इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में मैं बता चुका हूँ, इसके रूम वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ, वीडियो पॉज करके फ़ोन नंबर नोट कर लो अगर कभी आपको आना हो तो। इस वाले जंगल में बहुत सारे बर्ड भी हैं, पक्षी वगैरह भी हैं। बैकग्राउंड में आपको
पक्षियों की आवाजें भी आ रही होंगी, लेकिन आपको पता है भाई मैं पक्षियों के मामले में बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अगर दीप्ति होती तो अभी इसी आधे घंटे पौने घंटे की वाक में कम से कम 20 पक्षी, 20 अलग अलग वैरायटी के पक्षी देख लेती। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी, यहाँ से टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजे और डिस्टेंस 350 किलोमीटर यहाँ से लेके कान्हा तक। पहले जाएंगे यहाँ से अजयगढ़, अजयगढ़ से फिर पन्ना, पन्ना से कटनी, कटनी से जबलपुर बाईपास मंडला और उसके बाद कान्हा, ये हमारा रूट रहेगा। ये जी यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बढ़िया जबरदस्त वाटरफॉल है और इसका नाम है पवाई वाटरफॉल। तो अभी थोड़ा सा वहां तक चलते हैं और यहाँ से बढ़िया सा नजारा आपको वाटरफॉल का दिखाते हैं। भाई वाह भाई वाह भाई, क्या व्यू है, क्या जबरदस्त वाटरफॉल है भाई, मजा आ गया देख के। मानसून में जी इसमें आ जाता है जबरदस्त पानी और पूरा का पूरा ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा वाटरफॉल यहाँ पे। तो अभी तो थोड़ा सा ही पानी है और कुछ दिन बाद ये पानी भी खत्म हो जाएगा, तो ये वाटरफॉल भी सीजनल वाटरफॉल है, सिर्फ मानसून में ही रहता है। चलो अभी डिसाइड ये हुआ जी, थोड़ा सा आगे तक चलेंगे वाटरफॉल तक, सर किनारे से हटके। ये जगह स्टंट मारने के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे नुकीली चट्टानें ओवरहैंग कैंटिलीवर की तरह ओवरहैंग हो रखी हैं, तो वहाँ पे बैठ के खड़े हो गए भयंकर वाले स्टंट लग सकते हैं। लेकिन भाई हम जो है स्टंट के समर्थक नहीं है बिल्कुल भी। भाई स्टंट मारने का जी कर आया किसी को खराब लगा हो तो भाई आई एम सॉरी। चलो सर मजा आ गया स्टंट मार के सब लोग ऐसे ना बैठियो भाई, नहीं तो दुख दुखी सी होती है दिमाग में, कमर में भी, रीढ़ की हड्डी में भी वो होता है वो कुछ। अभी यहाँ पे एमपी टूरिज्म का एक बोर्ड भी लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था चांद सिल्वर फॉल और गूगल मैप पे इसका नाम लिखा हुआ है पवाई वाटरफॉल। जबलपुर पहुंच गए जी, टाइम हो रहा है वाशरूम, चलो वाशरूम भी देखेंगे। जबलपुर पहुंच गए जी, टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे और यहाँ पे मिले हैं नीरज सर, बड़ी देर से वेट कर रहे थे नीरज सर भी और पहले वाशरूम नहीं मटता। ये है जी मोचा कैफे, जबलपुर बाईपास पे है मंडला वाली रोड पे। तो सर जी जो थे, सर जी को भी हमने यहीं पे बुला लिया नीरज सर को, और अब देखते हैं क्या कुछ हल्का फुल्का यहाँ से खाएंगे, थोड़ा सा हमारा रेस्ट हो जाएगा। 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग हमने नहीं टाइम का पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग हमने करी नहीं, हमने खाया क्या है भूल गए, बातों में सब भूल गए जी। तो अब हमारे चलने का टाइम हो रहा है। नीरज सर आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, फिर कभी जबलपुर आएंगे फिर किस्मत सर आपसे भेंट हुई। जंगली भैंसा ना, रुको 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 रुको, जंगली भैंसा स्टार्ट रखो, चलो चलो धीरे 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 निकाल लो, चलो चलो जंगली भैंसा है जी, जंगली भैंसा, चलो हाँ चलो। एंड द फाइनली रात के 10 बजे हम पहुंच गए हैं कान्हा खटिया गेट पे। तो खटिया पे ये कोई सा होटल है, होटल चंदन करके, यहाँ पे हम रुक गए हैं। तो एक बार मैं आपको रूम दिखा दूँ और उसके बाद गुड नाइट बाय बाय कर दूंगा। ये जी हमारा है रूम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम बेहतरीन, एसी उसी भी लगा हुआ, एसी की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठंड बहुत हो रही है, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही पर फिर भी ठीक है ना। और ये अटैच उटैच भी है और टीवी भी है, टीवी हम कभी चलाते नहीं है, दूध भी रखा हुआ, ये दूध वैसे अभी अभी आया, हमारी इच्छा हो रही थी। और ये सब है, इसके अंदर भी है कुछ, अबे ये लगा हुआ है, हाँ कुछ ना है, हाँ कंबल से हैंगे भाई, गद्दे से हैं गद्दे, अरे पटर ये तो जानी पहचानी सी आवाज आ रही है।
ठीक है जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताइयो। अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे कान्हा नेशनल पार्क के अंदर जंगल सफारी पे। तो कल सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है और अभी मैं जो दूध पी के सो जाता हूँ। दूध का मामला ये है कि वहाँ पे हमने ना थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले जबलपुर में भरपेट कुछ खा लिया था और यहाँ पे आके बस पड़ के सो रहे हैं। थकान सी भी हो रही है, सुबह जल्दी उठना है। तो जी गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।